जिला डोडा में कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन पूरे जोर शोर से सैनिटाइजिंग का अभियान चला रही है। आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी इस महामारी से हम सबको बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। डोडा म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने कहा कि वे महामारी से मुक्ति पाने के लिए दिन रात काम करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ये साफ सुथरा रहे और इस बीमारी से दूर रहे, इसलिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी यहाँ नहीं आनी चाहिए। और ये भी चाहते हैं कि हम दिन रात इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है हम ऑलरेडी पहले से खदमतगुजार लोग हैं, तो हम इसमें बहुत खुश हैं कि अगर हम 24 घंटे हमको काम करने के लिए बोलेंगे तो हम 24 घंटे के लिए तैयार है काम करने के लिए। इसी संबंध में डोडा म्युनिसिपैलिटी कमीशन के चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। सैनिटाइजर का जो सवाल है, हम पहले दिन से ही जब से ये वावा चला है पहले दिन से ही कोशिश कर रहे हैं कि सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद जो सैनिटाइजर हमने शुरू किया है, सैनिटाइजर में हमने 3 ग्रुप बनाए जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें इन्होंने जनरेटर और सैनिटाइज करने के लिए मशीनें प्रोवाइड की हैं वो हमारे 3 यहाँ ऑटो चल रहे हैं, वो 2 शिफ्ट में, एक सुबह और एक दोपहर के बाद वो सैनिटाइज कर रहे हैं जहाँ जहाँ ऑटो पहुँच रहे हैं। उसके अलावा दाद देनी चाहिए हमारे स्वीपरों को जो दिन रात, देखिए इनके भी मैंने 4 ग्रुप बना के रखे हैं और मेरे वार्ड मेंबर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सब दाद के काबिल हैं। बाकी रही सैनिटाइज की, हम कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर हम सैनिटाइज करें और कोशिश कर रहे हैं कि हो भी रही है। अगर इसके लिए कोई अगर एक आधा घर रह जाता है, मैंने पहले भी अपील की है कि हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे कांटेक्ट करें और वही वार्ड मेंबर खुद जाके हमारे स्वीपरों के साथ लेके जाते हैं और घर घर जाके सैनिटाइज करवाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ये सिलसिला चलता रहे।